क्या बाहुबली 3 को धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकती है इस बार? क्या इस बार बाहुबली सिर्फ तेलुगु में ही बनेगा? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके मनपसंद स्टार्स के फिल्मों के बारे में अपडेट डालें, तब आप हो जो सबसे पहले इस न्यूज़ को जान पाए। आजकल सभी कामयाब पैन इंडियन फिल्म में एक चीज़ कॉमन है कि सभी फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से पैन इंडियन फिल्म्स के को प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ही हैं। जैसे कि KGF के लिए एक्सेल एंटरटेनमेंट ने हिंदी बेल्ट में फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट किया था और उनका यह रिस्क काम कर गया। बाहुबली द कंक्लूजन और बाहुबली द बिगिनिंग के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर द धर्मा प्रोडक्शन, जो ऐसे शंकर के फिल्म 2.0 को प्रोड्यूस किए थे। करण जौहर हैं एक मास्टर एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। उनके स्ट्रैटेजीज कई मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। जी हाँ, उनका करियर मूव्स हमेशा इतना शानदार होता है कि वो फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जब उन्होंने नोटिस किया कि साउथ की तरफ मूव ग्रोव्स का मार्केट शिफ्ट हो रहा है, तब उन्होंने साउथ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा था। बाहुबली के लिए धर्मा प्रोडक्शन ही बॉलीवुड की पहली प्रोडक्शन हाउस थी, जिसे SS राजमौली ने अप्रोच किया था। बाहुबली के दोनों पार्ट्स के हिंदी प्रोडक्शन के लिए और करण जौहर भी आसानी से मान गए थे, क्योंकि उन्हें SS राजमौली के विजन के ऊपर विश्वास था। फिल्म बहुत बड़ा कामयाब था और इससे जितना फ़ायदा राजमौली, प्रभाष, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णा और राणा डग्गुपति को मिला था, उतना ही फ़ायदा धर्मा प्रोडक्शंस को भी मिला था। लेकिन अब क्या धर्मा प्रोडक्शन बाहुबली 3 को प्रोड्यूस करने में काबिल है? धर्मा प्रोडक्शन बाहुबली के बाद बहुत कामयाब रही। राजी, केसरी, गुड न्यूज़ जैसे फिल्म के साथ साथ नेटफ्लिक्स के लिए ड्रामेटिक के अंडर उनका सारा वेब शोज़ काफ़ी कामयाब रहा। और उसके बाद SS शंकर के साथ 2.0 भी बन गई, जिसमें दो बड़े सुपरस्टार्स थे, रजनीकांत और अक्षय कुमार का फेस ऑफ हुआ था। यह फिल्म भी एक धमाकेदार कामयाब था। फिल्म से धर्मा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब जैसे सारे एस्पायरिंग एक्टर्स और फिल्म मेकर्स का सपना डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन बन गया था, लेकिन लॉकडाउन में सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद करण जौहर पर नेपोटिज्म और बुलिंग के कई इल्ज़ाम लगाए गए। अभी ये सच है या झूठ ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, मगर उन पर लगे सारे आरोपों के साथ उनका ब्रांड वैल्यू बहुत घट चुका है। और साथ साथ जब हाल ही में उन्होंने दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को रिप्लेस कर दिया, तब एक बार फिर से वो बदनाम हो गए। हालांकि किसी को भी नहीं मालूम कि असल गलती किसकी है, लेकिन धर्मा को 20 करोड़ का लॉस हो गया है कार्तिक को रिप्लेस करने के बाद। और इस कार्तिक इंसिडेंट के बाद धर्मा प्रोडक्शन के पार्टनर लाइका प्रोडक्शन ने उनका साथ डील कैंसिल कर दी है। लाइका के साथ डील बहुत फ़ायदेमंद होने वाली थी, क्योंकि लाइका के साथ 2.0 में धर्मा का काम करना बहुत ही सही साबित हुआ था। ये पार्टनरशिप सिनेमा के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी था, मगर अब सुनने में आ रहा है कि धर्मा की पोजीशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है और कंपनी मुश्किलों से गुजर रही है। अब बाहुबली 3 प्रोड्यूस करके क्या करण धर्मा को रिडीम करेंगे या कुछ एक्स्ट्रा रिस्क ले लेंगे, ये तो अब समय बताएगा। आप तब तक ये वीडियो को देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने व्यूज़ और विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।